गुड मॉर्निंग दोस्तों, होयसला टेंपल टूर सेकेंड एडिशन के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं पर्ल होटल, जहां हम रुके हैं। वहां के बुकिंग में बुफे ब्रेकफास्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। दोस्तों, कल हमने हसन डिस्ट्रिक्ट के कोरबंगला गांव में बुचेश्वरा मंदिर का दर्शन किया और हसन के नाइट लाइफ का आनंद लिया क्लब इल्यूशन में। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज हम लोग एक पुराने और एक होयसला मंदिर की दर्शन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर और ये हसन डिस्ट्रिक्ट के जावगल स्थान पे स्थित है। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल ट्रैवलिंग बिट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें फॉर ऑफ द बीटन ट्रेल ट्रैवल स्टोरीज एंड रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, ब्रेकफास्ट का स्प्रेड अच्छा है और नेक्स्ट हम अपने रूम में चलेंगे। चलिए आपको रूम दिखा देते हैं। कुछ साल पहले तक होटल पर्ल होटल साउथ इंडियन के नाम से जाना जाता था। मैं यहाँ पे एक बार पहले भी आ चुका हूँ 2019 में। मुझे बताया गया हाल ही में इसका ओनरशिप चेंज हुआ, उसके बाद से इसका नाम भी चेंज हो गया। कल शाम को करीबन 6:30 बजे हमने होटल पर्ल में चेक इन किया था और अभी करीबन 9:30 बजा है और थोड़ी ही देर में हम यहाँ से चेकआउट करके जवागल के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 लोग ठहरे थे यहाँ पे और ओवरऑल रूम कॉस्ट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वॉज ₹3,500। होटल के बारे में और जानकारी के लिए आप मेरे 2019 का वीडियो देख सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और चेकआउट करने के बाद हम लोग जवागल के लिए निकल चुके हैं। जवागल हसन शहर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हम वहाँ पे लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर देखेंगे। ऑन द व्हील्स वी हैव शेखर। सो शेखर जी, आपको अभी तक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। और अभी कर्नाटका स्टेट लेवल पे हम उसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छा टियर 2 लेवल का सिटी है। दोस्तों, बाहर से जो हवा आ रहा है ये इतना फ्रेश है जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी है। लोग आजकल प्योर ऑक्सीजन को लेके थेरेपी करते हैं ताकि लंग्स को फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। और आप ऐसी जगह पे आओगे तो आपको ऐसे ही फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा और बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन थेरेपी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग जवागल में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर पहुंच गए हैं। यह मंदिर हासन से करीबन 40 किलोमीटर, हालीबीरू से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए मंदिर के भीतर चल के देखते हैं। मंदिर के पुजारी जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय दिया और बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर के बारे में व्याख्या करके बताया, जो हम कुछ ही देर में सुनेंगे। हाँ,
ಜಾವಗಲ್ಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮ ದೇವಾಲಯ. ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಕೂಟ ಜಲ ದೇವಾಲಯ. ಹೊಯ್ಸಳರ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಜ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿತಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರ ಗೋಪುರದ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರ ಮಂಡಲವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ಮೂರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಮುಂದುಗಡೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ, ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನನೆಲ್ಲ ಬಳಪಿನ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಸೋಪ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಳಲು ಉತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೊಳಲು ಊದೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಹಾರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್, ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇ ರೋಲಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮೂರನೇ ರೋಲಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಆಕಡೆ ಕಡೆ, ಫೋರ್ತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರೋಲ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ದಶಾವತಾರಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ಭೌತ, ಕಲ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಅವತಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ನವಿಲು, ಅಳಿಲು, ಮಂಗ, ಗಿಳಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಅಳಿಲು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಕೊಳದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 108 ರೀತಿ ಗಣಪತಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಒಳಗಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 108 ಗಣಪತಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಧರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 24 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಆಯುಧ ಸಮೇತರಾಗಿ ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ವಿಶಾಖ ಬೌದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. दोस्तों, आमतौर पे ये मंदिर टूरिज्म सर्किट में दिखाया नहीं जाता है. ट्रैवलिंग बिट्स आपको वो मंदिरें दिखाना चाहती है जो ऑफ द बीटन ट्रेल है. आपने अगर ट्रैवलिंग बिट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें फॉर ऑफ द बीटन ट्रेल ट्रैवल स्टोरीज एंड रेगुलर अपडेट्स. मंदिर के दीवारों पे रामायण, महाभारत और हिंदू ग्रंथों का वर्णन है. जवागल से जुड़े हुए मैं और एक चीज की बात करना चाहता हूँ. भारत के करीबन सभी लोगों ने जवागल नाम मेरे ख्याल से सुना ही होगा. भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इस जगह से आते हैं, जिनका नाम है श्रीनाथ और जिनका पूरा नाम है जवागल श्रीनाथ. साउथ इंडिया में नाम के साथ पिता का नाम और जगह का नाम भी जोड़ते हैं, जिससे नाम सुनते ही पता चलता है ये व्यक्ति किसके पुत्र है और कहां से आते हैं. और जब ये मंदिर बना था तब से ये मंदिर अभी भी यहाँ पे पूजा याचनाएं होती रहती है और यही इसकी खूबसूरती है कि ये कंटिन्यूस लिविंग टेम्पल है. और हम लोग करीबन 40 किलोमीटर हसन से आए हैं यहाँ पे ये मंदिर देखने के लिए. बहुत ही बढ़िया मंदिर है. आप जैसे देख सकते हो उस समय की शिल्पकला. अभी
इसी टेंपल कॉम्प्लेक्स में हम लोग लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे। ये मूर्ति विशाली ग्रामा से बना है और बहुत ही सुंदर है। मैं तो ये भी कहूंगा ये मूर्ति में कुछ दिव्य आकर्षण है। दोस्तों इसी के साथ जवगल में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दर्शन समाप्त होता है। आगे हम लोग हालेबीड़ू में जैन बसरी और केदारेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारा अगला डेस्टिनेशन है जैन बसरी हालेबीड़ू। गूगल मैप के अनुसार लक्ष्मी नारायण मंदिर जवगल से जैन बसरी हालेबीड़ू की दूरी करीबन 13.9 किलोमीटर है। दोस्तों जवगल से बैंगलोर की रिटर्न रूट पे हालेबीड़ू आता है, तो हमने सोचा क्यों नहीं जैन बसरी और केदारेश्वरा मंदिर की दर्शन करते हैं। इनफैक्ट ये एक जैन बसरी का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे 3 जैन बसरी है और ये जैन बसरी समर्पित है जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और आदिनाथ। जैन बसरी का मतलब यही है कि ये जैनों के मंदिर है, तो यहाँ पे काफ़ी उस समय जैन धर्म के प्रचार भी हुए होंगे। आप देखिए ऊपर में आप देख सकते हो जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ का मूर्ति है। पहले होयसाला के वंशज जैन धर्म को मानते थे। राजा विष्णुवर्धन हिंदू धर्म गुरु रामानुजाचार्य के मार्गदर्शन में हिंदू धर्म को स्वीकार किया। उसके बाद से होयसाला राजाओं ने हिंदू मंदिरें बनाना शुरू करा। थोड़ा आगे चलकर जैन धर्म के 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बड़ी मूर्ति देखेंगे। होयसाला के इंस्क्रिप्शन स्टाइल जो आप यहां पे देख रहे हो उसकी कंटिन्यूटी बाद के होयसाला के हिंदू मंदिरों में भी देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ बसरी के अंदर जो आपने गोल आकार के ब्लैक ग्रेनाइट के पिलर्स देखे वैसे ही समान पिलर आपको बाद के होयसाला हिंदू मंदिरों में भी देखने को मिलता है। उदाहरण के हिसाब से होयसाला मंदिर बेलावर के बारे में कह सकता हूँ। चलिए अब आदिनाथ के बसरी को देखते हैं। आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर थे। इस कॉम्प्लेक्स में एक स्टेपवेल भी है जिसको हुलीकेरे कल्याणी कहते हैं। दोस्तों चलिए आप शांतिनाथ की बसरी को देखते हैं। शांतिनाथ जैन धर्म के 16th तीर्थांकर थे। पीछे से तीनों बसरी का अब एक साथ मैक्रो व्यू देख सकते हो। दोस्तों जैन बसरी कॉम्प्लेक्स हालेबीड़ू में इतना ही। आगे हम केदारेश्वर मंदिर जाएंगे जो कि थोड़ी ही आगे स्थित है। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा थ्रू योर कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स। दोस्तों
हम लोग केदारेश्वरा मंदिर पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो ऑलरेडी शाम हो चुका था और मंदिर भी बंद हो चुका था और हम लोग अंदर नहीं जा पाए। तो चलिए अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। केदारेश्वरा मंदिर हलेबीरू के प्रसिद्ध होयसालेश्वरा मंदिर से थोड़ी ही दूर में स्थित है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है और एक अलग ही मौसम का अनुभव दे रहा है। केदारेश्वरा मंदिर को होयसाला राजा बीरा बल्लाला टू और उनकी पत्नी केतला देवी ने बनाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पे ईश्वरा के नाम से पूजे जाते हैं। यह मंदिर एक त्रिकुटा मंदिर है, यानी तीन देवस्थान वाला मंदिर है और इसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर करीबन 5 से 6 फीट का प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, जिसे जगती कहते हैं। केदारेश्वरा मंदिर के निर्माण में सोपस्टोन का इस्तेमाल हुआ और यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए मंदिर के भीतर चल के देखते हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा जैसे जग रही है, जो मैंने जैन बसरी में देखा और अब केदारेश्वरा मंदिर में देख रहा हूँ, कि मंदिर के भीतर लाइटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई। मुझे लगता है मंदिर के भीतर अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको भीतर की आर्किटेक्चर अच्छी तरह से दिखाई दे। दोस्तों, केदारेश्वरा मंदिर में इतना ही। हलेबीरू से हसन बाईपास पकड़ के हम बेंगलोर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बेंगलोर हाईवे पे हैं और यहां से बेंगलोर का डिस्टेंस दिखा रहा है 179 किलोमीटर, और हम लंच के लिए होटल फिशलैंड जा रहे हैं। होटल फिशलैंड मैंगलोर क्विजिन सर्व करता है और मैंगलोर क्विजिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, होयसाला टेंपल टूर के सेकंड एडिशन में इतना ही। आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा थ्रू योर कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स, और हमारे चैनल ट्रैवलिंग बिट्स को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर ऑफ द बीटन ट्रेल ट्रैवल स्टोरीज एंड रेगुलर अपडेट्स। जाते जाते आपको बता दे, खाना बहुत ही बढ़िया था, आपने भी ट्राई करना चाहिए। वी आर बैक ऑन रोड एंड ऑन द वे टू बैंगलोर। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह, एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो लेके। तब तक आप ट्रैवलिंग बिट्स चैनल के दूसरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं।